मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूतं ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं, कर्म पर्वतों के भेत्ता हैं और सर्व तत्वों के ज्ञाता हैं, उन वीतराग सर्वज्ञ और हितोपदेशी जिनेंद्र भगवान को मैं उनके इन्हीं गुणों की प्राप्ति के लिए भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। दस लक्षण महापर्व का आज नौवां दिन है। पिछले आठ दिनों में हमने उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप और उत्तम त्याग धर्म का स्वरूप समझकर उनकी आराधना करने की कोशिश की। अब आज उत्तम आकिंचन्य धर्म का क्या स्वरूप है वो समझकर हम उसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं, ये कोशिश करते हैं। मैं ये जो मंगलाचरण के रूप में एक श्लोक रोजाना बोल रहा हूँ, मेरी हालांकि आदत ऐसी है कि मैं नए नए मंगलाचरण के श्लोक पढ़ता हूँ, लेकिन अभी यहाँ रोज इसलिए एक ही पढ़ रहा हूँ कि ये श्लोक आपको कंठस्थ याद हो जाए। मैंने सोचा अलग अलग पढ़ूंगा तो बहुत हो जाएंगे, सबको याद होना मुश्किल है, और ये एक श्लोक ऐसा है कि आप समझो जैसे दूसरा नमोकार मंत्र है। 2000 साल पहले आचार्य उमा स्वामी ने तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ के मंगलाचरण के रूप में लिखा है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर कभी इसकी डीप स्टडी आप करोगे तो इसमें बहुत आनंद आएगा। पूरे जैन धर्म का सार एक श्लोक में भरा है, इसलिए मैं रोज रोज आपको सुना रहा हूँ। मेरी ये दिली इच्छा है कि आप सब इस एक श्लोक को, छोटा सा है, याद करो, इसका अर्थ भी जानो और इसे रोज पढ़ा करो। जैसे नमोकार मंत्र पढ़ते हैं ऐसे इसे पढ़ना चाहिए। शास्त्र में ऐसा लिखा है कि जो इस श्लोक को पढ़ता है उसे तीर्थ वंदना का फल मिलता है। ये एक बार पढ़ना, आप समझो घर बैठे आपने सम्मेद शिखर की यात्रा कर ली, घर बैठे आपने गिरनार की वंदना कर ली, घर बैठे कैलाश पर्वत की वंदना कर ली। इतना महान ये श्लोक है, इसलिए मैं रोज जोर दे रहा हूँ। फिर एक बार सुन लो अच्छे से, बहुत बढ़िया श्लोक है और इसका अर्थ भी याद रखो। क्या श्लोक है? मोक्ष मार्गस्य नेतारम भित्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। क्या अर्थ हुआ? मोक्ष मार्ग के नेता हैं। नेता माने वो मत समझ लेना कांग्रेस बीजेपी जैसे। यहाँ नेता का मतलब है ले जाने वाला, जो हमको मोक्ष मार्ग पर ले जाता है। मोक्ष मार्ग के नेता माने जो हमको मोक्ष मार्ग पर ले जाते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारम और भेत्तारम कर्म भूव्रताम। भेत्ता माने
भेदन करना, तोड़ना, नष्ट करना। कर्म रूपी पर्वतों को जिन्होंने नष्ट कर दिया है, चकना चूर कर दिया है, हम और आप कर्म पर्वतों से ढके हुए हैं। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहिनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, आठ आठ कर्म हैं और इनकी बहुत सारी उत्तर प्रकृतियां हैं। उन सब से हमारी आत्मा ढकी हुई है। तो जिसने उन कर्म रूपी पर्वतों को भेदता, भेदता माने तोड़ दिया है, नेता माने जो मोक्ष मार्ग पर ले जाते हैं, कर्म रूपी पर्वतों के भेदता माने जिन्होंने कर्म रूपी पर्वतों को तोड़ दिया है, और ज्ञातारं विश्व तत्वानां, ज्ञाता माने जानने वाले, ज्ञाता माने जानने वाले, क्या जानने वाले, सर्वपदा विश्व तत्व को, विश्व के जितने भी पदार्थ हैं सबको जो प्रत्यक्ष जानते हैं। वंदे, वंदे माने मैं नमस्कार करता हूं, बोलते हैं ना वंदे मातरम, वंदे माने, वंदे माने मैं वंदना करता हूं। और तद गुण लब्धये, तद माने उनके, गुण माने वीतरागता, सर्वज्ञता, हितोपदेशिता, इन गुणों को लब्धये, लब्धये माने लब्धि करने, लाभ करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, उनके इन गुणों को प्राप्त करने के लिए मैं उन्हें भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। अब तो सबको याद हो जाएगा ना, मैंने अच्छे से अर्थ बता दिया। अब एक बार और सुना देता हूँ, मेरी तो आदत ऐसी ही है। पहले आपको पता है अकलंक निकलंक की कहानी मालूम है? अकलंक नाम के आचार्य थे, वे बचपन से ही इतने तीव्र बुद्धिमान थे कि कोई एक बार बोले तो कंठस्थ कर लेते थे। निकलंक ऐसे थे, कोई भी बात यदि दो बार सुन ली तो हमेशा के लिए कंठस्थ हो जाती थी। तो अपने को एक बार दो बार ना सही, मैंने तो 10 बार सुना दिया है कि नहीं? तो एक बार और सुनाता हूं, देखो बहुत मीठा श्लोक है। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये, वंदे तद्गुणलब्धये। और अब हम थोड़ा सा उत्तम आकिंचन्य धर्म का क्या स्वरूप है वो रोजाना की तरह समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेरे पास प्रश्नों का ढेर लगा है और मेरे जाने का टाइम आ गया है। बिल्कुल कुछ नहीं बोलूँगा, थोड़ा सा भी नहीं बोलूँगा तो अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए थोड़े थोड़े तो लेता हूँ। देखो एक दो प्रश्न लेता हूँ, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट कुछ प्रश्न तो लेता हूँ। एक प्रश्न सुनो, कितना अच्छा प्रश्न है। देखो प्रश्न देखो कितने लोग बाग, यहाँ भी स्वाध्याय करने वाले, पूछने वाले, पढ़ने वाले जिज्ञासु हैं तो सही है कि नहीं, तभी पूछते हैं। देखो क्या प्रश्न भेजा है। जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत है अनेकांत स्याद्वार, आपने अभी तक उसके बारे में कुछ नहीं समझाया, सो उसका क्या स्वरूप है थोड़ा सा समझाइए। रियली बहुत अच्छा प्रश्न है, और जैन धर्म का प्राण है ये सिद्धांत। जगह जगह लिखा है, ऐसा लिखा है एक ग्रंथ में कि परमागमस्य जीवम
जैन धर्म की आत्मा है अनेकांतवाद। आत्मा माने जैसे इस शरीर में से आत्मा निकाल दो तो क्या बचा? डेड बॉडी। ऐसे ही जैन धर्म में से अनेकांतवाद निकाल दो तो क्या बचा? कुछ नहीं, जीरो। जैन धर्म का प्राण है अनेकांतवाद, और वो बहुत इम्पोर्टेंट सिद्धांत है। प्रत्येक जैन भाई को तो कम से कम वो समझ में आना ही चाहिए। देखो मैं बहुत संक्षेप में बताता हूँ, हालांकि अभी मैंने अनेकांत स्यादवाद सिद्धांत पर 110 घंटे बोला है, और वो सब YouTube पर अवेलेबल है। आप चाहो तो मेरा नाम लिखो, प्रोफेसर वीर सागर जैन अनेकांत स्यादवाद, आपको मेरे 110 लेक्चर मिलेंगे उस पर लगातार। इतना डीप सब्जेक्ट है और बहुत अच्छा सिद्धांत है, पर मैं आपको 110 घंटे नहीं, केवल 10 मिनट में समझा रहा हूं। देखो क्या है अनेकांतवाद, क्या है स्यादवाद। अनेकांत, अनेक प्लस अंत। जैन धर्म कहता है कि हर वस्तु में अनेक अंत है, मैनी डाइमेंशंस। हर चीज में अनेक माने बहुत सारे, अंत माने गुण धर्म आयाम पक्ष, बहुत सारे पक्ष है, और एक पक्ष से बात नहीं की जा सकती, करोगे तो वो पूरी नहीं हो सकती। जैसे कोई पूछे नींबू कैसा, तो क्या उत्तर दे सकते हैं? आप बोलोगे खट्टा, वो कहेगा खट्टा होता है, गोल नहीं होता क्या, पीला नहीं होता क्या? होता है, अभी हमको उसके खट्टेपन से परपज था इसलिए हमने उसको खट्टा बोल दिया। मैं आपसे पूछूं कि नींबू कैसा, तो आप बोलोगे खट्टा, और मैं पूछूं बर्फ कैसी, तो आप बोलोगे ठंडी, और मैं पूछूं टमाटर कैसा, तो लाल। तो आप एक चीज का रंग बता रहे हो, एक का रस बना रहे हो, एक का गंध बता रहे हो, ये अलग अलग। मैंने आपसे ऐसे पूछा था क्या, टमाटर का रंग बताओ? मैं पूछूं कौआ कैसा, तो आप बोलते हो काला। मैंने तो ये तो पूछा नहीं था कि कौए का कलर बता, आपसे पूछ रहा हूं नींबू कैसा, या तो सबका कलर बताओ या सबका टेस्ट बताओ, लेकिन आप सबका टेस्ट नहीं बताते, सबका कलर नहीं बताते, हमको जिस चीज से काम होता है वो बताते हैं। आप कौए का पूछ रहा हूं तो कलर बता रहे हो, बर्फ का पूछ रहा हूं तो स्पर्श बता रहे हो, गुड़ कैसा तो उसका टेस्ट बता रहे हो। इसका मतलब है वस्तु में तो सभी धर्म रहते हैं, कहने में एक आता है। अनेकांत स्यादवाद इतना अच्छा सिद्धांत है कि इसी के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक साइंस में थ्योरी निकाली, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता का सिद्धांत। मैं पूछता हूं आपसे सम्मेत शिखर कहाँ है, पूर्व में कि पश्चिम में, उत्तर में कि दक्षिण में, कहाँ है सम्मेत शिखर बताओ जरा। अरे आसाम वाला बोलेगा कि पश्चिम में, गुजरात राजस्थान वाले बोलेंगे कि पूर्व में है, कश्मीर वाले बोलेंगे कि दक्षिण में है, कन्याकुमारी वाले बोलेंगे कि उत्तर में है, कहाँ है सम्मेत शिखर। चारों बातें सही है, अनेकांतवाद कहता है कि लड़ो मत। वस्तु में परस्पर विरोधी धर्म बहुत रहते हैं, आप लड़ो मत, आपका ही व्यू सही है ये बात नहीं है,
दूसरे का व्यू भी सही हो सकता है, शांति से विचार करो। अनेकांतवाद झगड़ा नहीं होने देता। मैं पिता हूं कि पुत्र, मामा हूं कि भांजा, चाचा हूं कि भतीजा, क्या हूं? एक ही महिला पत्नी भी है, बहन भी है, माँ भी है, बुआ भी है, मामी भी है, सब है ना। और कभी कभी छोटे छोटे बच्चे झगड़ने लग जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो एक बच्चा बोलेगा बुआ जी, तो दूसरा बोलेगा मामी जी, तो वो दूसरा बोलता है जो जानता नहीं होता है ना, तू इनको मामी जी क्यों कह रहा है, ये तो बुआ जी है। तो वो जानता नहीं है, अज्ञानी है। अनेकांतवाद कहता है कि प्रत्येक वस्तु में अनेक धर्म रहते हैं, तुम उनको उदारता से समझो और स्वीकार करो। और एक जगह एक ऐसा वाक्य लिखा, दुनिया में दो ही वाद होते हैं, एक अनेकांतवाद और दूसरा आतंकवाद, तीसरा कोई वाद ही नहीं है। अगर आप अनेकांतवादी नहीं बने तो आप क्या बन जाओगे? आतंकवादी बन जाओगे। मैं ही सही हूं, ये जो कट्टरता आती है ना, दूसरे सब गलत है, ये सब आती है अनेकांतवाद को नहीं समझने से। स्यादवाद कहता है हर बात को स्यात लगा, स्यादवाद, स्यादवाद माने स्यात, स्यात माने कथनचित, वाद माने बोलना, वदनम वाद, कथनचित लगाकर बोला करो, हर बात को स्यात लगाकर बोला करो। मैं ज्ञानी हूं कि मूर्ख, लंबा हूं कि छोटा, धनवान हूं कि निर्धन, इस कमरे में अंधेरा है कि उजाला, मुझे बताओ, मेरी टेबल पे अंधेरा है कि उजाला? कथनचित उजाला, कथनचित अंधे। यहीं पर किसी को जरा डायमंड का काम करना हो तो क्या बोलेगा? यहां नहीं हो सकता, अंधेरा है। एक ही चीज में परस्पर विरुद्ध दो धर्म रहते हैं, इसका नाम है अनेकांतवाद। और इसको बोलते समय ये सावधानी रखो कि स्यादवाद। एक छोटा दृष्टांत बहुत आता है, चर्चा तो लंबी है इसकी, लेकिन हमको बहुत बातें करनी है, इसलिए मैं वो दृष्टांत बता करके ये वाले प्रश्न का उत्तर पूरा करता हूँ। अनेकांत और स्यादवाद को समझना हो तो एक चित्र याद रखो, यहाँ दो चार पांच अच्छे अच्छे चित्र होने चाहिए, ताकि कोई आए, बच्चे हैं छोटे हैं, वो समझे जैन धर्म के क्या सिद्धांत है। आज हमने न्यूयॉर्क मंदिर के भी दर्शन करके आए तो देखो क्या 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 बता रहा था। एक दृष्टांत सुनो बहुत अच्छा। एक गांव में एक हाथी आया और सब लोग, पहली बार हाथी आया, गांव वालों ने कभी हाथी देखा नहीं था, तो उसी सब हाथी देखने गए। उस गांव में 6 अंधे भी रहते थे, तो वो कहने लगे हमको भी हाथी देखना है, तो वो भी हाथी देखने गए। तो किसी ने कहा तुम क्या हाथी देखोगे? बोले हम तो देखेंगे। वो चले गए वहां जाके महावत से कहने, महावत माने वो जो हाथी को ध्यान रखता है, उससे कहा कि हमको छू के देखने दो, हम अंधे हैं। तो बोले छू लो, तो सब लिपट गए 6 के 6 हाथी के, और देख लिया, देख दाग के घर लौटने लगे। 6 दोस्त थे पक्के, लेकिन रास्ते में लौटे तो एक दोस्त ने बोला, वाह क्या हाथी था ना, एकदम रस्सी जैसा था। तो दूसरा बोला पागल झूठ बोलता है, हाथी रस्सी जैसा नहीं था, मैंने भी छू के देखा है, हाथी तो पिलर जैसा था, पिलर जैसा। तीसरा बोला तू भी झूठा है, हाथी ना रस्सी जैसा होता है ना पिलर जैसा, हाथी तो बिल्कुल ऐसा होता है दीवार जैसा। चौथा बोला तू भी झूठ बोल रहा है,
हाथी तो ऐसा होता है जैसा सूप होता है, सूप जिसमें अनाज साफ करते थे ना पहले, वो तो सूप जैसा होता है। पांचवा बोला, तू भी झूठ बोल रहा है, अरे मैं खुद देख के आया हूं। हाथी तो ऐसा होता है जैसा वो भाला फेंकते हैं ना युद्ध में, वो भाले जैसा होता है। छठा बोला, तू भी झूठ बोलता है, हाथी तो ऐसा होता है जैसे केले का पेड़ का तना होता है, ऐसा होता है। और छहों में लड़ाई हो गई, दोस्त थे मगर एक दूसरे के विचार नहीं मिले तो क्या हो गया, लड़ाई हो गई। और जब लड़ाई हो गई तो वो लड़ रहे थे, तो कोई एक बड़े बुजुर्ग आदमी गांव से आए, उन्होंने कहा, अरे सूरदासो क्यों लड़ रहे हो? तो बोले, क्या करे, हाथी देख के आए थे, मैं खुद देख के आया हूं, वो तो ऐसा था और ये ऐसे कह रहे हैं। ऐसे उनमें आपस में झगड़ा हो गया। तो उन्होंने कहा, बैठो शांति से, तुम सब सही हो। क्या बोले, तुम सब सही हो, बस ऐसे बोलो कि हाथी पूंछ की अपेक्षा देखा जाए तो रस्सी जैसा है, पैर की अपेक्षा देखा जाए तो पिलर जैसा है, पेट की अपेक्षा देखा जाए तो दीवार जैसा है, कान की अपेक्षा देखा जाए तो सूप जैसा है, दांत की अपेक्षा देखा जाए तो भाले जैसा है, सूंड की अपेक्षा देखा जाए तो केले के पेड़ जैसा है, इसमें क्या दिक्कत है? तो सब खुश हो गए और सब का लड़ाई झगड़ा खत्म हो गया। एकांतवाद से झगड़ा होता है और स्यादवाद से झगड़ा समाप्त होता है। सारी दुनिया में झगड़ों को मिटाने वाली कोई रामबाण चाबी है तो उसका नाम है स्यादवाद। हर विवाद का हल हो सकता स्यादवाद के द्वारा। तो ये थोड़ा मैंने संक्षेप में आपको अनेकांत स्यादवाद का स्वरूप समझाया। बोलो भाई साहब, पीछे हाथ खड़े कर रहे हैं। ये प्रश्न समझ में आया भाई? क्या नाम, शुभ नाम भाई साहब आपका? अच्छा, प्रलय पटोरिया जी प्रश्न पूछ रहे हैं कि नए से इसका क्या संबंध है। नए माने होता है दृष्टिकोण, पॉइंट ऑफ व्यू। हाथी को छह लोगों ने देखा, अब छह लोग अगर ये बोलें एक पॉइंट ऑफ व्यू से हाथी ऐसा है तो कोई झगड़ा नहीं है। और जब हाथी कंप्लीटली ऐसा ही है, दूसरे की बात का खंडन करे, दूसरे के व्यू को नहीं माने, तो वो हो गया दुर्नय, कुनय। नय दो तरह के होते हैं, सम्यक नय और मिथ्या नय। जब हम हमारी बात को कहते हैं और उसके अपर पक्ष को भी मानते हैं तो वो होता है सच्चा नय, उससे जीव बनता है सम्यक दृष्टि। और मिथ्या नय क्या, जब हम अपर पक्ष को छुपाते। हाथी को आप बोलो कि वो तो सर्वथा दीवार जैसा होता है, बाकी सबकी बात झूठी, तो ये हो गया गलत नय। और उसको आप एक एक एंगल से बोला जा रहा है, बोलने में सारे एंगल एक साथ आते नहीं है, ये वाणी की कमजोरी है। हम कभी भी कोई भी हो, बड़े से बड़ा आदमी, वो एक साथ सारे गुण बोल नहीं सकते। नींबू कैसा है, कैसे बोले, एक साथ कैसे बोले, मैं बोलता हूं, बोल के दिखाता हूं, खट्टा है, गोल है, पीला है। तो प्रश्न पैदा होगा, आपने खट्टा पहले क्यों बोला, दो नंबर पर गोल क्यों बोला, तीन नंबर पर पीले को तीन नंबर पर ही क्यों बोला, ये क्वेश्चन। तो नयवाद कहता है कि हम एक एक बात को कह पाते हैं,
दूसरे का निषेध करोगे तो वो जैन धर्म के विरुद्ध बात हो जाएगी। ऐसा ये थोड़ा डीप सिद्धांत है। जैन धर्म के चार प्रमुख सिद्धांत है, एक लाइन याद रख लो। जैन धर्म के चार प्रमुख सिद्धांत है, एक लाइन याद रखो सब। क्या? आचार में अहिंसा, विचार में अनेकांत, वाणी में स्याद्वार और जीवन में अपरिग्रह। जैन धर्म पालना हो तो ये चार पिलर, जैसे गाड़ी चार पहिए पे चलती है ना, तो हमें अगर अपनी गाड़ी चलानी है तो चार पहिए हैं। पहला पहिया आचार में अहिंसा, विचार में अनेकांत, वाणी में स्याद्वार और जीवन में अपरिग्रह। ये चार सिद्धांत है। तो अनेकांत और स्याद्वाद भी बहुत सुंदर सिद्धांत है और बहुत डीप है। अभी मैं आजकल दिल्ली में सुनील सागर महाराज जी का संघ है और वहाँ 50-60 पिछियाँ हैं और वहाँ पर रोज अनेकांत स्याद्वाद पढ़ने पढ़ाने जा रहा हूँ मैं। वहाँ पर रोज सुबह 7:15 से 8:15 बजे तक मैं अनेकांत स्याद्वाद की क्लास लेता हूँ और बाद में उस संघ में से 15 मिनट मेरे से प्रश्न पूछते हैं और मैं प्रश्नों के उत्तर देता हूँ। यही टॉपिक वहाँ चल रहा है। तो बात तो बहुत डिटेल है पर मेरे पास प्रश्न आया है और इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने इसका उत्तर आपको शॉर्ट में दिया है, पर बड़े काम का है। आप सब स्टडी करेंगे तो बहुत माल मिलेगा। दूसरा प्रश्न सुनो, बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न है। एक प्रश्न और सुनो, मेरा मन खींच लिया। कोई कोई प्रश्न ऐसा होता है जो बहुत दिल को अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। देखो एक प्रश्न ये है, नरक स्वर्ग की बात होती है बार बार, ये नरक स्वर्ग है कि नहीं है, किसने देखे? बोले जैन धर्म में जब भी कुछ बात करो तो सारी बात यहां आके अटक जाती है, अगला जन्म अगला जन्म। ये करो तो स्वर्ग जाओगे, ये करो तो नरक जाओगे। देखो प्रश्न, पहले प्रश्न पूछने वाले के दिल में उतरो, वो प्रश्न अपना बनाओ, तब आपको उत्तर समझ में आएगा। प्रश्न समझ में आया? आप हमको सीधे सीधे बातें क्यों नहीं बताते हो? ये नरक है, स्वर्ग है, ऐसा है, ये मिलेगा वो मिलेगा, यहाँ दुख होगा वहाँ दुख होगा, ऐसे करोगे तो नरक में जाके ये दुख पाने पड़ेंगे, ये करोगे तो स्वर्ग में जाके, और नरक स्वर्ग ये साइंस ने इतनी तरक्की कर ली, चंद्रमा तक पहुँच गया और अभी तक इसको तो नरक स्वर्ग मिले नहीं। कहाँ है भी कि नहीं है, आप हमको सही सही बताओ। है अच्छा प्रश्न है कि नहीं है, कि भाई क्या है ये मामला? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। जो समझदार आदमी होगा, जो जैन धर्म को ईमानदारी से समझना चाहेगा, उसके मन में ही ऐसा प्रश्न पैदा होगा। मेरे भी होता था, अब मैं वही सब बता देता हूँ आपको कैसे हमने इसको समझा समझाया। देखो सुनो एक बात बहुत अच्छी तरह, शास्त्र का के अनुसार उत्तर दे रहा हूँ। शास्त्र में उत्तर दिया कि तुमको नहीं समझ में आ रहा है तो 2 मिनट को ये बात किनारे रख दो, छोड़ दो। नरक स्वर्ग नहीं होता है ऐसा मान लो, सपोज नरक स्वर्ग। भाई देखो सुनो, प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं आपको कहूं कि नरक स्वर्ग है तो आप पूछोगे व्हाट इज द प्रूफ, और मैं बताऊंगा दिस इज द प्रूफ, फिर आप कहोगे ये इनको किसने कहा था। आप मैं किताब ही तो बताऊंगा और आप कहोगे किताब में किसने लिखा, तो फिर प्रॉब्लम तो वही खड़ी रह जाएगी ना। तो हम थोड़ा बी प्रैक्टिकल, अपने सोचो।
तो उत्तर दिया इसमें ही कि आप 2 मिनट को समझो नरक स्वर्ग नहीं होता और फिर धर्माचरण करो। एक वाक्य लिखा, जो अभी फल दे उसका नाम है धर्म और जो बाद में फल दे उसका नाम है कर्म। तुम कर्म मत करो, तुम धर्म करो। और धर्म उसका नाम है जो कल फल नहीं देगा, आज देगा। आप ये सोच के बिल्कुल दुख पाने की जरूरत नहीं है कि बाद में अगले जन्म में मजे ही मजे हैं, अभी दुख सहन कर लो। अभी दुख सहन करेगा तो आगे भी दुख ही मिलने वाला है, गारंटी से। बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं मैं। जो व्यक्ति धर्म करते समय ये सोचकर धर्म करता है, ये सोचकर दुख पाता है कि अभी तो दुख पा लो कोई बात नहीं, लेकिन अगले जन्म में तो फिर बहुत मजे मिलने हैं। बोले जो आज दुख पाएगा, दुख से पाप कर्म का बंध होता है और दुख से अगला जन्म भी दुर्गति रूप होता है। तुम तो आज की बात करो ना, जिस काम में आनंद आए वो धर्म है, जिस काम में तकलीफ हो उसका नाम धर्म नहीं है। देखो एक बहुत अच्छा दृष्टांत देता हूँ, बहुत अच्छा दृष्टांत, दृष्टांत से जरा बात अच्छे से समझ में आ जाती है। एक दृष्टांत सुनो। एक ट्रेन चल रही थी और सब लोग बैठे थे और ट्रेन में कोई कुछ बेचने वाले आते हैं ना, ये मूंगफली ले लो, दाल मोट ले लो, ये खा लो, कब समोसा कचोरी, तो वो यात्री लोग खरीद रहे थे, खा रहे थे। लेकिन एक कोई आदमी चुपचाप पंडित जी शांति से बैठे थे। और जब शाम को 5:30 बज गए तो अपने बैग में से टिफिन निकाला और खाने लगे शांति से। तो उनके सामने कोई एक मॉडर्न युवा बैठा था, वो कहने लगा, अच्छा तो ये बात है, आप पंडित जी हो, ये बात है। मैं बहुत देर से सोच रहा था कि सब लोग तो मजे कर रहे हैं, आप पंडित जी क्यों इतनी देर से अपनी आत्मा को दुख दे रहे हो। क्या पूछ, क्या बोला उसने? बोले, पंडित जी आप सब लोग तो कुछ कुछ लेके खा रहे हैं, मजे कर रहे हैं, और आप अपनी आत्मा को दुख दे रहे हो। पंडित जी एक बात पूछूं, आप ये सब क्यों कर रहे हो, क्यों इतना दुख अपनी आत्मा को दे रहे हो? इसलिए ना कि नरक में ना जाना पड़े, स्वर्ग में जाए, इसीलिए तो आप इतना दुख सहन कर रहे हो, कुछ नहीं खा रहे, देखो हम तो खा रहे। तो पंडित जी बोले, अब सुनो, पहले तो तुम अपना ये सेंटेंस वापस लो कि मैं अपनी आत्मा को दुख दे रहा हूं। मैं तो बिल्कुल दुख नहीं दे रहा, मेरे पास घर की देसी घी की पूरी रखी है, मिठाई रखी है, सब्जी रखी है, सब चीजें शुद्ध, तुम चख के देखो, खा के देखो, बहुत बड़ी। मैं तो बिल्कुल निश्चिंत बैठा हूं, चिंता परेशान तो तुम हो रहे हो, स्टेशन कब आएगा, चाय मिलेगी कि नहीं, ये गाड़ी तो आउटर पर ही रुक गई है, कोई आया ही नहीं चाय वाला, उस स्टेशन पर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कौन बेचैन कौन है, व्याकुल आकुल व्याकुल कौन है मुझे बताओ। मैं तो मजे से बैठा हूं, हाथ पे हाथ धर के ठाट से, मुझे पता है मेरे पास घर का बना हुआ बढ़िया शुद्ध खाना है, मैं टाइम पे खा लूंगा। परेशान तो उबलते फुबलते तो तुम हो, तुम उबल रहे हो, परेशान कौन है? तुम मुझे परेशान मत बोलो, परेशान तुम हो। और दूसरी बात देखो, अगर मैं तुमसे कहूं कि नरक स्वर्ग है तो तुम तो मानोगे नहीं। हालांकि हम सब जाके आए, कई कई बार जाके आए, लेकिन तुम मानोगे तो हो नहीं। तो चलो 2 मिनट को तुम्हारी बात मान लेते हैं,
हालांकि ना तो तुम सिद्ध कर सकते हो कि नहीं है, ना मैं तुम्हें सिद्ध कर सकता हूं कि है। मैं तुम्हारे लिए सिद्ध नहीं कर सकता है, तुम भी मुझे सिद्ध करके नहीं बता सकते कि है नहीं है। तो जरा 2 मिनट को ये विचार करो कि नहीं है, स्वर्ग नरक नहीं है, नहीं हुए तो मेरे बाप का क्या बिगड़ा? नहीं नहीं है तो नहीं है, मेरे बाप का क्या बिगड़ा? मैं तो बढ़िया खाना लेके आया हूँ, खा रहा हूँ, ठाट से जी के जा रहा हूँ। नहीं है, नहीं है तो नहीं है नरक स्वर्ग। मैं तो बढ़िया अच्छी से अच्छी जिंदगी जी के जा रहा हूँ, मेरी तबीयत अच्छी है, मैं खुश हूँ, मुझे क्या प्रॉब्लम है? नहीं होगा, नहीं होगा तो स्वर्ग नरक। लेकिन सोचो अगर हुआ तो तुम्हारा क्या होगा? अरे हमको तो दो ही हाथ में लड्डू है। शुद्ध सात्विक जीवन जीने वाले को नरक स्वर्ग हुए तो भी फायदा रहेगा, और नहीं हुए तो भी फायदा रहेगा, और गलत आचरण करने वाले को दोनों तरह से घाटे में है बेटा। समझ में आया? तो इसलिए जैन धर्म बहुत व्यावहारिक है। तो ऐसे बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न है। एक प्रश्न छोटा सा और पढ़ देता हूँ, हालांकि इस प्रश्न को मैं पढ़ना भी नहीं चाह रहा। और मैंने आपको कई दफे कहा है कि मेरे पास बहुत सारे पूजा पाठ से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं, और मैं उनके बारे में आपको बता चुका हूँ कि समाज में 2 परंपराएं हैं, और वो जो जहाँ जैसी चल रही है वो वैसी चल रही है, और उस बारे में तुम मेरे से कुछ मत कहलवाओ। मैं तो यहाँ मेरा माल बेचने आया हूँ, मैं सब जगह जाता हूँ और मैं मेरी बात कहता हूँ। मुझे जो करना समझना होता है वो मैं करता समझता हूँ, मेरा अपना अलग हिसाब है, इसलिए तुम मुझे ज़्यादा मत टोको। मैं नहीं बोलना चाहता, समाज में कोई विवाद नहीं करना चाहता, लेकिन एक प्रश्न थोड़ा सा ज़्यादा ही अपील कर गया। बहुत लंबा चौड़ा प्रश्न लिखा, प्रश्न लिखा 10 लक्षण के दिन चल रहे हैं, हम तो हरी सब्जी भी नहीं खाते, शुद्ध सात्विक ढंग से जीते हैं, और ऐसी हालात में अगर हम भगवान के ऊपर पुष्प डालते हैं, पुष्प में तो केवल स्थावर जीव नहीं त्रस जीव भी होते हैं, एक नहीं असंख्य होते हैं, तो बोले ये कितना उचित है? आप कुछ बोलो तो सही, कुछ तो बताओ। तो मैंने कहा भाई क्या करे, बात तो एकदम सही है, पुष्प में तो बहुत, अरे जो शास्त्रों में बात आती है ना भगवान के पुष्प अर्पण की, वो तो आती है दिव्य विटप, देवताओं द्वारा पुष्प वृष्टि होती है, वो दिव्य पुष्प होते हैं, वो वनस्पति का एक नहीं होते हैं, वो तो अजीव होते हैं, वो तो रत्नमय होते हैं, हम रत्नमय पुष्प वृष्टि कर सकते हैं। तो ये बात मुझे थोड़ी अपील कर गई। बहुत लोग बोले हमको तकलीफ होती है, धीरे धीरे ये प्रथा बढ़ती जाती है। तो जैन धर्म तो बहुत अहिंसा प्रधान है, और ऐसा ना हो तो अच्छा है। मैंने कहा भैया मैं तो कह दूंगा और क्या, बाकी आप जानो और आपका काम जाने, है कि नहीं? अपन थोड़ा बहुत विवेक इसमें रख सकें तो रखना चाहिए। जैसे अपन गन्ने के रस का, दूध का, दही का विजय भाई नहीं करते ना, अपन स्थापना कर लेते हैं ना, ऐसे ही पुष्प की भी अपन स्थापना कर सकते हैं, चांदी के पुष्पों से कर सकते हैं। अपन काय को पेड़ से हरा फूल ला करके, और धर्मों में ये सब चलता है, और धीरे धीरे आप अगर शिथिलाचार को जगह दोगे तो ये बढ़ता चला जाएगा, बहुत दिक्कत होगी, इसलिए इसको थोड़ा बहुत अपने रोका जा सके तो ध्यान देना चाहिए। ज़्यादा मैं और कुछ इसमें कह नहीं सकता हूँ। अब थोड़ी सी चर्चा हम आकिंचन धर्म की करके
तत्वार्थ सूत्र का 9वां अध्याय आपको सुना देता हूं। देखो आकिंचन्य धर्म, आकिंचन्य धर्म का क्या मतलब है? संस्कृत में एक शब्द होता है किंचित, किंचित माने थोड़ा सा, किंचित माने थोड़ा सा, और अकिंचित माने थोड़ा सा भी नहीं। आज पढ़ा था ना हमने, चाह लंगोटी की दुख भाले, आज कहानी सुनाई थी कि लंगोटी एक लगाई तो कितना बड़ा संसार, पूरी घर गृहस्थी बस गई। तो परिग्रह बहुत दुखदायक है, परिग्रह छोड़ने की प्रेरणा देता है आज का दिन। आज का दिन क्या कहता है? अगर मैं आकिंचन्य को अपनी सिंपल भाषा में कहूं तो वो हो गया अपरिग्रह। देखो आज कुछ ऐसा योग है कि चारों सिद्धांतों की चर्चा हो गई। जैन धर्म के चार सिद्धांत बताए ना अभी, क्या बताया? आचार में अहिंसा, तो थोड़ी अहिंसा की बात भी हो गई कि भाई हम तो कितने अहिंसक हैं, बहुत अहिंसक है, हम स्थावर जीव की भी दया पालते हैं, तो विवेक रखें। अनेकांतवाद की भी हो गई, स्यादवाद की भी हो गई, और उत्तम आकिंचन्य धर्म क्या कहता है? आकिंचन्य का दूसरा नाम है अपरिग्रह। कोई परिग्रह मत रखो, परिग्रह दुखदायक है, चिंता बढ़ाता है, ये समझो, ये अपरिग्रहवाद का अर्थ है। तो उत्तम आकिंचन्य धर्म कहता है कि तुम इसको समझो तो सही, परिग्रह आता है तो तुम खुश होते हो, पर ये परिग्रह चिंता है, और चिंता सबसे बुरी चीज होती है। दुनिया में दो चीज है, चिता चिंता समाउक्ता बिंदु मात्र विशेषता, सजीवे दति चिंता निर्जीवे दति चिता। एक शब्द है चिता और एक है चिंता। क्या फर्क है चिता और चिंता में? एक बिंदी का, एक बिंदी भर का फर्क है। चिता पर बिंदी लगा दो तो क्या हो गया? चिंता। देखने में बिंदी भर का अंतर है, पर हकीकत में चिता तो मुर्दे को जलाती है, पर चिंता जिंदे को जला के कोयला कर देती है। और ये परिग्रह चिंता पैदा करता है। चिंता परिग्रह नहीं हो तो कोई चिंता नहीं है। चिंता काहे की होती है? वो आती है ना, एक कहानी, एक साधु बाबा थे, उन्होंने अपनी गुदड़ी में कुछ छुपा के रखा था। एक बाबा जी थे, उन्होंने कुछ गुदड़ी में थोड़ा सा कुछ छुपा के रखा था। तो वो रात भर अपने चेले से कह, चेला जग रहे हो कि नहीं, रात अंधेरा है, देखो ध्यान रखना, जगते रहना, ऐसे रोज कहते थे। चेले ने सोचा क्या मुश्किल है, बाबा जी ना सोते हैं ना मुझे सोने देते हैं। तो उसने जब दिन हुआ तो बाबा जी के पीछे से गुदड़ी टटोली, उसमें कुछ मिल गया, सो उसको उठा के कुएं में डाल लिया है। अब रात हुई तो फिर बाबा जी कहने लगे, चेला सो तो नहीं गया, जग रहे हो ना, रात खतरनाक है, जगते रहना, सो मत जाना, बड़ा डर है। तो चेला बोला, गुरुजी चैन से सो जाओ, वो डर मैं कुएं में फेंक आया, वो डर तो मैं कुएं में फेंक आया। सारी प्रॉब्लम, सारे झगड़े तो परिग्रह के ही है ना। ये परिग्रह बहुत बुरी चीज है, ये हमको अच्छी तरह रियलाइज होना चाहिए। हम भले परिग्रह में रह जाएं थोड़ा, पर परिग्रह को उपादेय मानना मिथ्यात्व है। और परिग्रह कितने होते हैं पता है आपको? कितने परिग्रह होते हैं? 24। जैसे 24 तीर्थंकर है ना, उन्हीं के कॉम्पिटिटर है ये। और पहले परिग्रह का क्या नाम है पता है? किसको पता है? जरा हाथ खड़े करो।
24 प्रकार के परिग्रह होते हैं और उनमें से सबके नाम तो किसको पता होगा, पर पहला परिग्रह कौन है जरा हाथ खड़े करो। अरे पहले परिग्रह का नाम है मिथ्यात्व। लोग कल बात की थी, हम तो सब जगह यहीं आ जाते हैं भैया। पहला परिग्रह है मिथ्यात्व, दूसरा है क्रोध, तीसरा है मान, माया, लोभ, हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, ये 14 अंतरंग परिग्रह है। 10 बहिरंग है, क्षेत्र, वास्तु, धन, धान्य, दास, दासी, वस्त्र, ये 10 बहिरंग परिग्रह है। 24 परिग्रह है और इनको छोड़ो तभी जा करके उत्तम आकिंचन धर्म की आराधना हो सकती है। अब आपको मैं तत्वार सूत्र का 9वां अधिकार पढ़कर सुनाता हूँ। बताओ कीर्ति भाई, एक सवाल ऑनलाइन से आया है, बताओ। हाँ बताओ ना, क्वेश्चन फॉर डॉक्टर वीर सागर जी। यस, वी डोंट ईट एनीथिंग दैट ग्रोज अंडरग्राउंड ड्यूरिंग पर्यूषण। यस, देन व्हाई पीनट्स आर यूज्ड एज अ पार्ट ऑफ आवर प्रसाद। देखो प्रश्न समझ में आया सबको, प्रश्न सुनाई तो दिया ना। प्रश्न ये है कि हम लोग जमीकंद नहीं खाते हैं, फिर हम मूंगफली क्यों खा लेते हैं? यही प्रश्न है ना कीर्ति भाई, मैं गलत तो नहीं समझा ना? प्रश्न ये है कि अपन जमीकंद नहीं खाते, हम आलू नहीं खाते, गाजर, मूली ये नहीं खाते हैं, तो बोले मूंगफली क्यों खाते हैं? देखो मूंगफली में ऑयल बहुत होता है, मूंगफली में ऑयल होता है, ऑयल होने की वजह से उसकी प्रकृति न्यारी मानी गई है, और चीज़ें जैसी कंद होती है वैसी वो नहीं होती है, बस इतना रीजन उसका मिलता है। और केवल ये ही नहीं, आप ये भी पूछ सकते थे हम हल्दी क्यों खाते हैं? हल्दी है वो भी तो जमीन में पैदा होती है, फिर हल्दी क्यों खाते हैं? तो उसका उत्तर भी थोड़ा इसी तरह का है कि देखो हल्दी भोजन नहीं है, औषध है। सुनना, एक आहार है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर ये लाइन याद रहेगी तो आंसर समझ में आएगा। हम जमीकंद को भोजन के रूप में नहीं लेते हैं, लेकिन दवाइयां तो सारी जड़ी बूटियां लेते हैं दवाइयां। तो ये जो सौंठ है, हल्दी है, आप आलू खाओगे तो एक साल में कितने खा जाओगे? 100 किलो। और अगर हल्दी खाओगे तो कितनी खाओगे? मैंने आप पाव और हल्दी एक आदमी खा पाएगा? हल्दी दवाई है, हल्दी को हम स्वाद के लिए, कोई हल्दी स्वाद के लिए खाता है? आलू को स्वाद के लिए खाते हैं, गाजर को, मूली को स्वाद के लिए खाते हैं, वो हम भोजन समझ के खाते हैं, ज़्यादा मात्रा में खाते हैं। और ये हल्दी आदि कुछ चीज़ें ऐसी है वो उन जैसी नहीं है, वो दवाई है, तो दवाई के रूप में कुछ चीज़ों को मजबूरी में रखा है। और ना खाओ तुम तो बहुत बढ़िया, उसे भी मत खाओ। जैन धर्म तो जिसकी शक्ति जितनी हो उतना करो, तो इसलिए ये इसका सामान्य उत्तर है। अब मैं आपको 9वें अध्याय का पाठ करके सुनाता हूँ, शांति से श्रद्धा भाव से सुनो। बात तो खुलासा करे तो बहुत लंबी है, लेकिन बस पढ़ देता हूँ। 9वें अध्याय में संवर निर्जरा तत्व का वर्णन है। आश्रव निरोध संवर स गुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्ष परिसहज चारित्री तपसा निर्जरा च सम्यक योग निग्रहो गुप्ति। बहुत अच्छे अच्छे सूत्र हैं ये। ईर्या भाषा ये सनादान निक्षेपोत्सर्गा समितिया उत्तम क्षमा मार्दवार्जो सौत सत्य संयम तपस्त्याग किंचन ब्रह्मचर्याणि धर्म। इसमें से 10 धर्म आए 9वें अध्याय में से।
अनित्य शरण संसार एकत्व अन्यत्व सूचि आश्रव संवर निर्जरालोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्या तत्वानु चिंतनम अनुप्रेक्षा मार्गाच्यवन निर्जरार्थम परिसोडव्या परिसा क्षुत पिपासा शीतोष्ण दंश मसक नाग्नि अरति स्त्री चर्या निषद्या सैया आक्रोश मद याचना लाभ रोग तृष्ण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञान दर्शनानी सूक्ष्मसाम्प्राय चतुर्मस्त वीतरागयोश्च चतुर्दश एकादश जिने बादर साम्प्राय सर्वे ज्ञानावरणे प्रज्ञा ज्ञाने दर्शन मोहअंतरायो अदर्शनालाभो चारित्र मोहे नाग्नि अरति स्त्री निषद्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्कार वेदनीय शेषा एकादयो भाज्यायुपदे कस्मिन्नो विंशते सामायिक छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्मसाम्प्रायता ख्यात्मिति चारित्रम अनसनमोदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त सैयासन काय क्लेशा बाह्यम तप प्रायश्चित्त विनय वैयावृत्त स्वाध्याय उत्सर्ग ध्यानानि उत्तरम नव चतुर्दश पंच द्विवेदायता क्रम प्राग ध्यानात् आलोचना प्रतिक्रमण तदुभय विवेक उत्सर्ग तपश्चेद परिहार उपस्थापना ज्ञान दर्शन चारित्रोपचारा आचार्योपाध्याय तपस्वी सेक्ष ग्लान गण कुल संग्रह मनोज्ञान वाचना प्रचनानुप्रेक्षा नाय धर्मोपदेशा बाह्याभ्यंतरोपद्यो उत्तम संगनन से एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान महांतर मुहूर्ता आर्तरौद्र धर्म सुक्लानी परे मोक्षेतु आर्तम अमनोज्ञस्य संप्रयोगे तद विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहार विपरीतम मनोज्ञस्य वेदनायाश्च निदानम च तदविरत देश विरत प्रमत संहितानां हिंसा नृतस्ते आप विषय संरक्षण ब्योरौद्रम अविरत देश विरतियो आज्ञा पाय विपाय विपाक संस्थान विचियाय धर्म शुक्ले चाद्य पूर्विद परे केवलिन पृथकत्वेतर्क सूक्ष्मक्रिया प्रतिपाति विपरत क्रिया निवर्तिनी त्रेक योग का योगा योगानाम एकाश्रे सवितर्क विचारे पूर्वे अविचारम द्वितीयम वितर्क श्रुतम विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति सम्यक दृष्टि श्रावक वीरतानंत वियोजक दर्शन मोक्षप कोप समक उपशांत मोक्षपक क्षीण मोजिना क्रम सो असंख्य गुण निर्जरा पुलाक कुशकुशील निर्ग्रंथ स्नात का निर्ग्रंथा संयम श्रुत प्रतिसेवना तीर्थलिंगलेश्योपादान स्थान विकल्पता साध्या इति तत्वार्थ सूत्रे नमोध्याय नमो नमः। बोलो उत्तमा किंचन धर्म की जय हो। बोलो भैया शास्त्र भक्ति जय हो। कर्म सब आए संकट के लिया है